सीन पे मौजूद सीनियर कायदीन और इस महफिल में बैठे खवातीन और नौजवान हर बात यही नारा देती है कि एक हो जाओ, कौम और मिल्लत की बात दुहाई देती है, लेकिन कभी ये बात नहीं बोलती कि यहाँ पे हमने ये डेवलपमेंट किया, हमने यहाँ पे ये एक इंजीनियर रुपए महीना ओल्ड लोगों के लिए कपिल के लिए 4,000 रुपए पेंशन होगी और 200 यूनिट फ्री होगा और गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। आरोग्य श्री में 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, 5 लाख जिसके पास प्लॉट है घर नहीं बना सकते उनके लिए 5 लाख रुपए होगा और बाहर जाने वाले अब्रॉड बच्चों को पढ़ने के लिए भी बैंक से इंश्योरेंस के लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी और बहुत सारे चीजें जो स्कीम्स है, जो बच्ची SSC पास हो जाती है उसके लिए प्रियंका गांधी जी ने स्कूटी का ऐलान किया है और बहुत सारे चीजें जो है वो सेक्युलरिज्म के लिए सबसे अहम है कि कांग्रेस पार्टी को लाना है और ये BJP और MIM और BRS को यहाँ से खत्म करना है। ये तीनों मिलकर सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है, हिंदुस्तान के लिए खतरा है। हम सबको इसमें मिलकर जद्दोजहद करते हुए तमाम ये कम्युनल पार्टी को खत्म करना है और इनकी सोच को खत्म करना है। मैं आप तमाम हजरात से फिर एक बार अपील करता हूँ 30 तारीख के दिन सुबह अवलीन सातों में वोट डालते हुए कांग्रेस पार्टी के निशान को मुझको एक मौका दीजिए, हाथ के निशान पर वोट देते हुए मैं आपके साथ तमाम लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ रात दिन मेहनत करता रहूंगा, आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। इसके लिए आप मुझे मुंतखब कीजिए, कांग्रेस पार्टी का मैं नुमाइंदा हूँ, हाथ पर के निशान पर 30 तारीख को वोट दीजिए। ये अपील के साथ मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और सैनशीन पे बैठे सीनियर कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस बारिश में भी तमाम जलसे की समाप्त की है। शुक्रिया। जय कांग्रेस, जय तेलंगाना।